त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। एडीजी आवासन पोन्नु चामी ने आग क्षेत्र के दौरे के दौरान भर्ती अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी ने अस्पताल में कोविड वार्ड व मेडिसिन आईसीयू का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महेश मोहन पुकार, एसपी नारायण टोगस, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शरद जैन आदि उपस्थित रहे। हमारे पास 250 बेड से भी अधिक बेड के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध है। 66 पे वेंटिलेटर उपलब्ध है जो हर एक बेड के पास में लगा दिए गए हैं। 20 पे बेड का जो मेडिकल आईसीयू है जो बनकर तैयार है, आपातकालीन परिस्थितियों में उसको भी हम काम में लिया जा सकता है। किसी प्रकार की दवा की या किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं है, हम फुल फ्लैश तैयारी के अंदर उपलब्ध है। ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो अभी भट्टी अस्पताल के अंदर 5 ऑक्सीजन प्लांट है अपने पास में और 200 सिलेंडर अपने पास है। उसके अलावा 180 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी अपने पास उपलब्ध है। वहीं एडीजी आवासन पोन्नु चामी ने आज सरदार शहर में मूलचंद विकास कुमार मालू परिवार की ओर से बनाए जा रहे आधुनिक पुलिस थाने भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना को लेकर थाने में नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस अधिकारियों की एक बैठक भी ली तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर एडीजी ने स्थानीय लोगों में अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में कोविड गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए। इस अवसर पर बीसीएमएचओ डॉक्टर विकास सोनी, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार आदि उपस्थित थे। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर के आउटब्रेक के संबंध में सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस हेडक्वार्टर से सीनियर ऑफिसर्स को सभी जिलों के अंदर जो कोविड के संबंध में जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, पुलिस, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, नगरपालिका सब मिलके किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, उसी को लेके श्रीमान आज बीकानेर से यहाँ पधारें और यहाँ से फिर चूरू में भी अपनी व्यवस्था देखेंगे। खास तौर से जो मेडिकल की प्रिपेयरनेस है, हॉस्पिटल में कोविड के संबंध में एक्स्ट्रा बेडेड है या नहीं है, ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए वो वर्किंग कंडीशन में है नहीं है, और मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, उसके संबंध में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पूरी पालना पब्लिक करे, इसकी अवेयरनेस के लिए पुलिस और प्रशासन साथ मिलके जो राउंड करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश करें। समझाइश पे नहीं मानते हैं तो उसमें जो भी जुर्माना और उसके आगे की कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिए। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैसी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की मांग की है। विधायक द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि चूरू में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के अधीन हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 व मेगा हाईवे शहर से होकर गुजरते हैं। अस्पताल में ट्रोमा सेंटर भी संचालित है तथा अस्पताल के पीछे ही आयुर्वेदिक अस्पताल भी संचालित है। विधायक ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि अगले बजट घोषणा में राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनाकर लोगों को राहत पहुँचाई जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनांक 20 जनवरी 2022 को ब्रह्म कुमारीज के डायमंड हॉल शांतिवन आबू रोड में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर से प्रोजेक्ट का ऑनलाइन राष्ट्रीय उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू एवं भारत सरकार की सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। रतनगढ़ नगर पालिका के 46 वर्षीय पार्षद सहित क्षेत्र में आज 59 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवाड़ी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव आए लोगों में 47 नगर पालिका क्षेत्र से एवं 12 लोग ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। पार्षद के परिवार में 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, सभी लोग होम आइसोलेटेड है। राजल देसर में आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी को कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कस्बे की साफ सफाई, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, गंदे पानी की निकासी आदि समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट सहित अनेकों पार्षदगण व भाजपा नेता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी पार्षदगण राजल से नगर पालिका में ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से संपर्क करके और बताया है कि सभी समस्या वार्ड की, सभी भी समस्या गांव की, सारी समस्या उनको अवगत करवाई है ताकि गांव का सभी तरीके से काम सही तरीके से हो। कौन कौन समस्या अवगत कराई आपने? कई समस्या लिख के दी हमने,
राजद सर की जो जिन समस्या है वो कई बार हम बताया है, ये साहब को भी अवगत करवाई, कई वार्डों में बहुत बड़ी समस्या है। जो काम पहले होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है, जो काम बाद में होने थे वो पहले हो रहे हैं, ये बात गलत है। कस्बे में गंदे पानी की समस्या, उसके बारे में अवगत कराया या नहीं कराया? लिख के दिए मैंने, जो हिसाब से सारी समस्या बताई, मेरे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ वार्ड नंबर 10 में 2 स्कूल है और एक बालाजी का मंदिर है सबसे पुराना, वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हिसाब से 2-3 बार मैंने पत्र विहार भी किया है, बात भी की है, लेकिन उसने कुछ नहीं हुआ। आज पुनर्यो हिसाब से मिलकर हम आश्वासन लेना चाहते हैं कि ब्याज हमारे काम जो भी है पूरा हो। महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में आज तारानगर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ व महावीर पूनिया ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश में दलितों व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। पिछले दिनों अलवर में मानवता को शर्मसार करती एक जघन्य घटना हुई, जिसमें आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज यह ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर सुदर्शन सबलानिया, बलवीर सहारण, शिव कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है और ये ग्राफ इतना बढ़ गया है कि 3 साल के अंदर हमें शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान 1 नंबर पर आया है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। और पीछे जो अलवर का जघन्य अपराध हुआ, एक मूकबधिर बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई, वो मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है। हम आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसे जो जघन्य अपराध है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। विधानसभा क्षेत्र तारानगर के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश ने 17 और 18 जनवरी को अलवर में जो अभी 7 दिन पहले एक मूकबधिर किशोरी के साथ जो बलात्कार हुआ, शर्मसार घटना हुई, उसको न्याय दिलाने के लिए उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया गया है। और हमारी सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि 7 दिवस में जो न्याय नहीं मिला, किसने अपराध किया, कौन पीड़ित है, किस प्रकार की जो पीड़िता के साथ जो एक अन्याय हुआ और जो अपराधी लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, इनको न्याय मिले, अपराधियों पर अंकुश लगे, गिरफ्तार किया जाए और CBI की जांच हो, ऐसी के एक ज्ञापन हमने दिया है। और हम सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि ये इसमें एक बहुत बड़ा राजस्थान में शर्मसार की जो घटना घटित हुई है, महिलाओं के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार नकारा है, विफल है, इन सब बिंदुओं को लेकर के जो ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले और ये एक पार्टी ने जो संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है कि इस गहलोत सरकार को, हम नकारा सरकार को कि जातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और न्याय दिलाकर ही हम चैन से सुख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आज जो हमारा जो कार्यक्रम जो धरनाबाजी है वो कामयाब हो, वरना हम आगे से आगे इस धरने को बढ़ाएंगे। और एक बालिका को और एक महिला होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरी उस बेटी को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। जिला मुख्यालय पर भी आज भाजपा नगर मंडल की ओर से राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि पिछले दिनों अलवर में असामाजिक तत्वों के द्वारा एक मूकबधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य कांड को अंजाम दिया गया, परंतु जघन्य कांड के इतने दिनों बाद भी प्रदेश की सुस्त कानून व्यवस्था के चलते अपराधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से उक्त घटना में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं राजलदेसर के उप तहसील कार्यालय में भी आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अलवर में मूकबधिर बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी व पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी मंडल राजलदेसर की ओर से आज
जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई है पिछले 3 सालों में अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था राजस्थान सरकार में रही नहीं है। पिछले दिनों मूक बधिर एक बच्ची के साथ अलवर में बहुत ही शर्मसार घटना हुई जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ, पर सरकार के कान तक जूं भी नहीं रहेंगी और ना उन दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है। हमने आज महामहिम राज्यपाल के नाम से उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन देकर इस घटना के जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करवाने एवं राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसको कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, अन्यथा हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जिला मुख्यालय पर आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया। यूनुस खान ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण 24 फरवरी के मुताबिक सत्र 2021-22 में अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों की अध्ययन की सुविधा हेतु छात्रावास भवन निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक इस स्तर पर भूमि आवंटन प्रकरण लंबित है, जिसके संबंध में ज्ञापन देकर चूरू क्षेत्र में न्यूनतम 1500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करवाने की मांग की गई है। चूरू के निकटवर्ती गांव लोसना बड़ा के शहीद चिमनाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज गांव के भामाशाह सहारण, बंधु सेवानिवृत्त सूबेदार श्रीश्याम सहारण, पितराम सहारण, भागीरथ सिंह व हंसराज सहारण ने विद्यालय विकास में अपनी माता स्वर्गीय चावली देवी की पुण्य स्मृति में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 1,62,000 रुपए विद्यालय को दिए हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रतिभा चौधरी ने बताया कि भामाशाह सहारण बंधुओं ने यह राशि मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में छात्रों के लिए जल मंदिर में वाटर कूलर के लिए प्रदान की है। वहीं विद्यालय के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक श्रीश्याम बेनीवाल ने विद्यालय में इन्वर्टर की जरूरत को पूरा करने के लिए 13,500 रुपए भेंट किए। रतनगढ़ चूरू सड़क मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रतनगढ़ स्थित चूरू बस स्टैंड से निकलते ही जाट कॉलोनी के पास काफी दिनों से सड़क क्षतिग्रस्त है। उससे आगे दयालु मंदिर के पास गांव गोरीसर से पहले भी सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को विभाग ने गत महीनों से दुरुस्त भी करवाया था, लेकिन उक्त स्थान पर आने वाले गंदे पानी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण उक्त सड़क मार्ग बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। और गांव में एंट्री करता है देखो कितनी खराब रोड हो रही है। सरकारी बस आवा है, प्राइवेट बस आवा है, निजी साधन आवा, एम्बुलेंस आवा है, सब कुछ आवा हटेगी। हटाने में बहुत दिक्कत हो रही है, गांव का आम आदमी दिक्कत हो रही है। कोई आदमी दिख रहा है बूढ़ा ठहरा, लिखा मोटरसाइकिल को रुकी, हमारे गाँव में मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बूढ़ा ठहरा, आदमी दिख रहा है तो वहाँ टब्बर चलाओ और चलाओ, पक पक टिके और टिके। इस हिसाब से मत को प्रशासन काम करना चाहिए जल्द से जल्द और अपने गाँव की रोड सुधारे। चूरू के वार्ड संख्या 30 के पार्षद राजकुमार सारस्वत के नेतृत्व में आज सम्मान समारोह एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत ध्याननाथ महाराज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सिटी सीओ ममता सारस्वत तथा नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह का शॉल ओढ़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर किशन मोट, मोहनलाल मीन, रुकमानंद भाकर आदि उपस्थित थे। सहयोग से और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के पुण्य प्रताप से हूँ और आज मैं तीसरी बार वार्ड के अंदर कंबल वितरण का प्रोग्राम जन सहयोग के द्वारा किया है। और कोरोना काल में भी मेरे प्रत्येक वार्ड के नागरिक को मैंने यथासंभव की मदद की है। प्रत्येक घर के अंदर मैंने 6-6 बार राशन किट पहुँचाए हैं और उनके आशीर्वाद से मैं बड़ा हूँ। उनका आशीर्वाद है तभी तो मैं आज पार्षद हूँ, वरना मेरा कुछ नहीं है। और इनका आशीर्वाद बहुत है और बहुत ही रहेगा। मेरे को इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि शायद किसी को मिले। मैं इनके आशीर्वाद का आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ और इनकी सेवा करता रहूँगा, इनकी चौकीदारी करता रहूँगा। आज हमारे बीच में आयुक्त महोदया, DYSP ममता जी सारस्वत और नाथ जी हमारे पधारे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। राजा लेसर के शहीद भगत सिंह ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कस्बे की बेसहारा गायों को गुड़ खिलाया गया। इस अवसर पर श्रवण कुमार गोड़, कमल कटारिया, कालू जाट आदि मौजूद थे।
चूरू स्थित भास्कर भवन में आज स्वर्गीय शंकर जिगनाड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाध्यक्ष शंकर जोशी ने बताया कि स्वर्गीय जिगनाड़िया जी की सामाजिक कार्य में बहुत ही अच्छी भूमिका रही। इस मौके पर भाजपा समर्थक मंच चूरू संगठन महामंत्री शंकर शर्मा, दिलीप सोनी, प्रमोद भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। शंकरलाल जी जिगनाड़िया जो अध्यापक थे और इसमें समाज में समाज सेवा का काम बहुत अच्छे से किया, लेखक है, हिंदी में विद्वता इनकी बहुत बड़ी है और ये चले गए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रतनगढ़ स्थित गुर्जरों की ढाणी में 17 दिसंबर 2021 को एक घर के आगे खड़ी बाइक के 11 चोरों ने चोरी कर ली थी। इस संबंध में 48 वर्षीय लक्ष्मण राम स्वामी निवासी लोसना बड़ा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बाइक की तलाश शुरू कर दी थी। गत दिनों तारानगर पुलिस ने बिना नंबरों की बाइक पर सवार युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी के पास से मिली बाइक की जब छानबीन की गई तो उक्त बाइक चोरी की पाई गई। 46 नंबरों के आधार पर बाइक की पहचान हो पाई। बाइक चोरी हुई थी जिसकी जांच चल रही थी। तारानगर थाने में बिना नंबरी मोटरसाइकिल के जाने पर पता किया तो उन्होंने बताया कि बिना नंबरी मोटरसाइकिल 46 नंबर इंजन नंबर से अपनी चोरी हुई मोटरसाइकिल मिली, जिस पर मुलजिम कृष्ण को कोर्ट से वारंट प्राप्त कर चोरू जेल से लेके आए। जिनसे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये मोटरसाइकिल मैंने उडेरा के इस जगदीश पवन कुमार प्रजापत से खरीदी थी। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं चोरी का कार्य नहीं करता हूँ। इन्हें मैंने मोटरसाइकिल जगदीश प्रसाद से खरीदी थी, जिसका मैं अभियुक्त जगदीश प्रसाद है। उसको गिरफ्तार किया जाने पर पूरा खुलासा होगा। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर सोमवार की रात बीरमसर के पास दो वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि बीरमसर निवासी 37 वर्षीय प्रताप मेघवाल ठटावता से अपने गाँव आ रहा था कि गाँव बीरमसर के पास सामने से आ रही बोलेरो से टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिससे प्रताप घायल हो गया।